विद्याधरनगर की महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे, उनकी प्रत्याशी जो बनाई गई है, एक महिला प्रत्याशी है। नमस्कार मैम, अभी एक महिला प्रत्याशी को भाजपा की तरफ से खड़ा किया गया है। दिया कुमारी है, महारानी है, बड़ा चेहरा है, किस तरह से दिखती हैं आप? देखो, मैंने तो उनको एक बार राजसमंद उदयपुर में देखा था जी, कोई मीटिंग में देखा था उनको जी जी, उसके बाद में कभी नहीं देखा। अब दिखने में तो क्या है, सुंदर तो सभी, हम ही सुंदर है। हाँ, तो ऐसे कोई सुंदरता नहीं है, हमें तो काम चाहिए जी। अच्छा, जनसंपर्क उनका कुछ भी नहीं हमसे ना, हमने देखा कि कैसा है क्या है। तो अगर टिकट उनको मिली है तो एक बार लोगों से मिलना जरूर चाहिए, मैं तो ये कहती हूँ। तो अभी जस्ट अभी हाल ही में 7 तारीख को आचार संहिता लगी है, उसके बाद वो निकली हैं, लोगों से मिल भी रही हैं, और उन्होंने एक आम पटल पर कहा भी है कि मुझे नरपत सिंह राजवी का साथ चाहिए। मतलब नरपत सिंह राजवी ने क्या कर दिया, वो भी तो मिलने चाहिए, हमने तो शक्ल ही नहीं देखी इतने सालों में। भाई शक्ल तो देखे ना कि कभी कोई भाई आदमी जो हमारे लिए काम कर रहा था, एक बार शक्ल तो दिखाए ना, हमने कभी शक्ल ही नहीं देखी। अब टिकट दिया था क्योंकि लोगों के दिमाग में ये रहता है ये कमल को देना है कि बस ठीक है। तो कमल का चेहरा इस बार बनाई गई है दिया कुमारी? दिया कुमारी तो मेरे को नहीं लगता है कि एक बार आज तक तो हमने उनको देखा ही नहीं है, और महल में रहने वाली वो आएगी क्या यहाँ पे? आएगी ही नहीं कभी। आएगी तो बहुत अच्छी बात है, मिलेगी तो, और काम करवाएगी तो हम काम भी उनका देखेंगे भाई पहले। पर काम तो तभी होगा जब आप उन्हें चुनेंगे उससे पहले तो, क्योंकि बिना चुने तो जब तक वो आएंगे नहीं, हमसे मिलेंगे नहीं, तो हम क्यों चुनेंगे उनको? उस सब में देखा था उनको एक बार, बस भागवत में आई थी वो, भागवत कथा में आई थी। हाँ, भागवत कथा में आई थी। बाकी उनका नेचर का भी पूरी स्टोरी भी हमें पता है, सारी मालूम है। क्या स्टोरी पता है, बताइए? वो नहीं बताऊंगी मैं आपको। आप जनसंपर्क में मैं ये कहती हूं, आप बोल सकते हो कि हमारे कोई दिक्कत वाली बात? जनसंपर्क हमने सीताराम अग्रवाल जी का देखा है, बाकी देखो सीताराम जी तो क्या आते रहते हैं, संभालते रहते हैं, वो संभालते रहते हैं। और वो क्या है, सबसे बड़ी बात है, जिस एरिया में से खड़े हो रहे हैं ना, तो हो सकता है कि हमारा काम आज तक कर रहे हैं तो और आगे भी अच्छा करेंगे। सीताराम जी तो आते रहते हैं, संभालते रहते हैं, ऐसी बात नहीं, उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं हमें। जी जी जी, उन्होंने तो काम भी किया है, सीताराम अग्रवाल जी ने काम किया है, आप सबका ये कहना है? हाँ, सीताराम जी अग्रवाल जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने काम किया है पूरी कॉलोनी में भी, बहुत मिलते भी, पूरे आना मिलना बहुत उन बेस्ट हैं वो सब चीज में। लेकिन अभी तक मिलना हर घर में जा जा करके अच्छी तरह से उन्होंने हम लोगों को सपोर्ट किया। लेकिन अभी तक तो कांग्रेस की जो लिस्ट है वो अभी तक आई भी नहीं है, ये फिक्स भी नहीं है कि सीताराम अग्रवाल को ही इस बार प्रत्याशी बनाएगा बनाया जाएगा। हमारा ये विचार है कि सीताराम जी अग्रवाल को ही मिले तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर उनका टिकट कट जाता है किसी नए प्रत्याशी को, कांग्रेस अपना चेहरा बनाती है इस बार, तो कैसे देखेंगे फिर आप? फिर हमें जिसका चेहरा ही नहीं देखा तो क्या देखेंगे, हमने तो सीताराम जी का चेहरा देखा है तो उनको ही देखना चाहिए। अगर टिकट कट जाए तो कैसे देखोगे फिर आप उन्हें? जो आएगा उसको देखेंगे, लेकिन हमने तो आज तक उनको देखा है। जो अच्छा काम करता है ना, उनका नंबर दोबारा भी आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन नरपत सिंह राजवी 3 बार की लगातार के विधायक हैं, लेकिन वो एक बार भी हमारे यहाँ नहीं आए, किसी को हमने चेहरा भी नहीं देखा है उनका। अच्छा। आज तक सीताराम जी अग्रवाल जी वैसे देखी जाए साल भर में हमने कोई कितनी बार देख लिया, जनसंपर्क करते रहते हैं वो, आम काम पकड़ है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं आप सभी महिला कि हम चाहते हैं कि टिकट मिलना चाहिए उनको, हार जीत तो भगवान के हाथ में है पर मिलना चाहिए, मैं तो ये कहती हूँ। टिकट बहुत अच्छा उन्होंने काम भी किया सीताराम जी ने, सारी सड़कें, लाइटें, सीवर लाइन सब कुछ हमारे कॉलोनी में बहुत अच्छा किया है। और आप भी कह देंगे ना, और उनको जिताएंगे भी हम। अच्छा। बाकी मैं तो कहती हूँ कि उनको आना भी चाहिए, और आप काम के लिए कहेंगे तो करेंगे भी। हाँ जी। महिला सशक्तिकरण की अगर बात की जाए तो महिलाओं का चेहरा बनाया गया फिर इस बार तो, क्योंकि महिलाओं का जो भाजपा हमेशा महिलाओं का मुद्दा उठाती आ रही है कि महिला पर उत्पीड़न राजस्थान में बहुत ज्यादा है, इसलिए एक महिला चेहरे पर दाव खेलने का प्रयास किया है। आ जाएगी दिया कुमारी महिलाओं के पास? आएगी? आएगी क्या वो? अब बताइए जनता, आप जब है ना, एक बार बताओ, जब हम इतने सालों में शक्ल नहीं देखे तो टिकट देने से ही वो तो पेपर में देखा है, तो आ जाएगी क्या वो? अगर कुछ होगा सीताराम अग्रवाल जी के तो घर जाके कर लेंगे कि भाई हमारी ये प्रॉब्लम है, सीधी सी बात ही है। वो तो उनको हम तो आमने सामने भैया जी के सामने खड़े के बात कर लेंगे। आते रहते, वो तो बातचीत होती रहती है। मेरा जो जेठ का लड़का है कलेक्टर का पीए है,
वो भी जानता है, उनके पास भी आते जाते रहते हैं, वो उनके पास आता जाता रहता है। टिकट का मसला नहीं है, मसला ये नहीं है कि टिकट का मसला नहीं है, मसला ये है कि आदमी कैसा है, सीधी सी बात है। तो सीताराम अग्रवाल जी, मतलब अगर आप दिया कुमारी जी से मिले नहीं अभी तक, तो कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि दिया कुमारी जी अच्छा चेहरा नहीं है या फिर आगे आ जाइए, पीछे बचाइए। मैं आप दिया के मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपसे बातचीत करने के लिए बस आया हूँ। वो नहीं कर रहे हैं क्रिटिसाइज, उनको बेस्ट जो काम किया है वो सीताराम जी अग्रवाल ने किया है। अच्छा। और हमने आज तक उनको ही देखा है। अभी तक पर आप दिया कुमारी जी से मिले नहीं है अभी तक, तो कैसे डिसाइड, मतलब मिलेगी क्या वोटों से पहले हमसे? वो आकर के मिलेंगी तब मिलेगी, मिलेगी क्या? अगर मिलते हैं तो देखते हैं पहले क्या करती है। अगर वो मिलते हैं आपको और उनके वादे समझ में आते हैं आपको, तो चुनेंगे आप उन्हें? फिर भी हम तो काम देखेंगे ना पहले। वो तो वादे तो बहुत करते हैं, बहुत लोग करते हैं, पर वादों पे खरे भी तो उतरने चाहिए, सीधी सी बात ही है। बहुत बधाई। हमारे पड़ोस में है जी, हम जब मर्जी जाके उनसे अपना कोई भी काम करा सकते हैं। अब उनके पास महलों में हम कहाँ जाएंगे, वो तो आने वाली है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमसे काम जो हमारा काम कुछ नहीं है, कुछ नहीं, हम तो उन्हीं को चुनेंगे जो हमारे साथ 5 साल से जुड़े हुए हैं और हमारा काम करा है। बहुत बहुत सीताराम जी को चुनेंगे और किसी को नहीं चुनेंगे, थे कोई भी। बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने और हम उन्हीं का चाहते हैं कि वो आए एक बार आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक बार इनको चुन के देखें तो सही कितना और काम कर सकते हैं। सीधी सी बात, अभी उन्होंने खूब काम किया है, मौका दिया। हाँ, सब लेडीजों को कहना यही है, हम सीताराम जी को ही वोट देंगे, सीताराम जी को ही वोट देंगे, उनको ही लाएंगे और वही जीतेंगे भी, वही जीतेंगे। हाँ जी, हमें विश्वास है वही जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो ये थे हमारे साथ, उनको चितवा के ही रहेंगे आप सभी का कहना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी से बातचीत करके, आप सभी से बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये थे हमारे साथ कुछ महिलाएं, विद्याधरनगर की महिलाएं, जिनका कहना है कि एक ऐसे प्रत्याशी को हम कभी चुनना नहीं चाहेंगे जो हमारे लिए काम अभी तक नहीं किए हैं और जिन्होंने अपना अभी तक चेहरा भी नहीं दिखाया है। महलों की रानी है, महलों में राज करेंगी।